जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम भाग्योदय की चर्चा करेंगे। कब होगा हमारा भाग्योदय? हर इंसान के मन में ये सवाल आता है। हम सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कब हमें कुछ बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, कब हमें बड़ी प्रगति मिलेगी, उसे कहते हैं हम कब होगा हमारा भाग्योदय। तो ये डिपेंड करता है, पहले तो आपकी कुंडली कहाँ में, नवम भाव देखना होता है। नवम भाव का मालिक कौन है, नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, वो पावरफुल है। तो मैं वो बात बताता हूँ अब आपको कि आपको किस तरह देखना चाहिए। अगर समझिए, जिस तरह नवम भाव को तो देखना ही है, लेकिन पैसे का मालिक भी समझिए, अगर इतना पावरफुल है, उचका बेटा है, लाभ का मालिक भी उचका बेटा है। समझिए पांचवा घर नवम से नवम भाव है, उसका मालिक उचका बेटा है, स्वग्रही बेटा है। कुंडली में जितने ग्रह आपके स्वग्रही उचके, नवमांश में वर्गोत्तमी, नवमांश में उचके, षोडश कुंडलियों में, वर्ग कुंडलियों में, एक ही राशि में पावरफुल होकर बैठे हैं, तो कौन सी उम्र में भाग्योदय होगा? अगर समझिए आपकी कुंडली में सूर्य बहुत पावरफुल है, कारक होकर अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो सूर्य आपको 22वें साल से भाग्योदय देंगे। अगर आपकी कुंडली में समझिए चंद्र कारक होकर बहुत पावरफुल हुए हैं, किसी भी भाव में कारक होकर अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो 24वें साल में आपको भाग्योदय देंगे। केंद्र त्रिकोण में इसका पावर बढ़ जाएगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में समझिए पावरफुल बैठे हैं, तो 28वें साल से आपका भाग्योदय होगा। बुध अगर बैठे हैं पावरफुल होकर, तो 32वें साल से भाग्योदय देंगे। गुरु अगर पावरफुल होकर बैठे हैं, तो 16 और 40वें साल से भाग्योदय होगा। 16 और 40 ये गुरु के भाग्योदय के साल है। अगर समझिए शुक्र आपकी कुंडली में पावरफुल है, तो 25वें साल से भाग्योदय देंगे। अगर समझिए आपकी कुंडली में राहु पावरफुल है, तो 42 यानी कि 42वें साल से आपको भाग्योदय होगा। केतु अगर बहुत पावरफुल है, तो आपकी कुंडली में 48वें साल से भाग्योदय होगा। यानी आप समझिए, कुछ लोगों को हम देखते हैं छोटी सी उम्र में। अभी कल परसों ही मेरे पास एक भाई की कुंडली आई थी, बहुत यंग एज थी, 23 साल की उम्र थी। अमेरिका से कंसल्टेंसी की थी मैंने, तो वो भाई साहब इतनी छोटी सी उम्र में अमेरिका से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। इतनी छोटी उम्र में इतनी मेच्योरिटी से, इतनी समझदारी से फॉरेन में जाना आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना अपनी होशियारी से। सूर्य पावरफुल है तो 22 से 24 में आपको खड़ा कर देगा, लाइफ में सक्सेसफुल बना देगा, आपको अचीवमेंट देगा, बिजनेस में ले आएगा, उससे आपकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन चंद्र पावरफुल है, 24 लग जाएगा। यानी एक चीज आप समझिए कि आपको किसी को लेट हो रहा है, किसी का समझिए बुध कारक होकर बलवान हुआ है, तो आपको शायद इतनी जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको 32 तक इंतजार करना होगा। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जन्म कुंडली सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का आईना है। साथ में हम अच्छे काम करते हैं, दान धर्म पुण्य करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम कई नकारात्मक चीजों को बदल सकते हैं। अगर आप जान जाते हो क्या खराब है, आप प्रार्थना द्वारा उसे बदलने की ताकत भी होती है, इसलिए भगवान ने ज्योतिष शास्त्र बनाया है। इस तरीके से आप जानकर अपनी लाइफ को बदल सकते हो। जैसा कि हम देखते हैं कुछ लोग बहुत संघर्ष करते हैं और 40 के बाद अचानक लाइफ चेंज हो जाती है, 42 के बाद अचानक कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग की लाइन हो, चाहे वो बिजनेस की लाइन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की लाइन हो, तो आप समझिए कि अगर ग्रह ऐसे आपके लेट भाग्योदय वाले ग्रह पावरफुल है, तो धीरज रखिए, मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव वे में अच्छे काम करते रहिए, लोगों के आशीर्वाद लेते रहिए, अच्छे काम करिए, तो इस तरीके से आपके ग्रह आपको उनकी उम्र आने पर बहुत अच्छा भाग्योदय देंगे। नमस्कार।